बयानबाजी है, एक दूसरे पर बार पलटवार है। बहरहाल प्रचार का आज आखिरी दिन है, पहले चरण के वोटिंग से पहले। हमारे संवाददाता खेड़ा से पॉलमी साहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पॉलमी, क्या तस्वीर है आज आखिरी दिन, किस किस का कहां कहां पर प्रचार, क्या कोशिश रहेगी आखिरी दिन? आखिरी दिन का प्रचार जो है जोरों शोरों से चल रहा है। राजीव जो जिस तरह से बीजेपी कैंपेन कर रही है, अमित शाह यहां पर कैंपेन कर रहे हैं, वो ज्यादातर आज के दिन जो है वो सेकंड फेज की कंस्टिट्यूएंसीज में कर रहे हैं, पर फर्स्ट फेज की कंस्टिट्यूएंसीज भी हैं जहां पर जो इनके सारे जो भाजपा के जो मुख्य प्रचारक हैं वो कैंपेन कर रहे हैं। इस वक्त फर्स्ट फेज की कंस्टिट्यूएंसीज में भगवंत मान है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो आखिर में इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं फर्स्ट फेज सीट्स में, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो एक तरह से है वो फर्स्ट फेज की सीट्स जो है, जो सूरत के अर्बन कुछ सीट्स हैं और जो सौराष्ट्र रीजन जो दोबारा से फर्स्ट फेज में ही जिसमें इलेक्शंस होने हैं December 1 को, उन्हीं सीट्स में आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो इन्हीं सीट्स पर पूरी जोरों शोरों से इस वक्त आखिरी दिन कैंपेनिंग चल रहा है। कांग्रेस का कैंपेन तो जैसा कि हम रिपोर्ट करते आ रहे हैं कि एक तरह से काफी ठंडा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे पिछले दो दिन यहां पर थे, उन्होंने कैंपेन जरूर किया था और एक दिन राहुल गांधी भी बीच में आए थे जब उन्होंने सूरत और राजकोट में ही कैंपेन किया था, फर्स्ट फेज की सीटें जहां पर आती हैं। पर अदर देन दैट जो है कांग्रेस का कैंपेन जो रहा है, उनका कहना है कि हमारा कैंपेन अंडर द रेडार रहा है, अंडर करंट है, हमारा डोर टू डोर कैंपेन है, इस तरह से शोशा वाला कैंपेन नहीं है कि हम स्टार कैंपेनर्स ला रहे हैं, हमारे सारे मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, पर उनका कैंपेन जो रहा है काफी स्लो रहा है। तो यही आखिर के दिन में अब जो है पूरा फोकस राजीव एक तरह से सेकंड फेज की सीट्स में शिफ्ट हो चुका है, जो सेंट्रल और नॉर्थ गुजरात है, अहमदाबाद, वडोदरा वगैरह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया पॉलमी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो गुजरात चुनाव के मैदान में इस बार तीसरे खिलाड़ी की भी एंट्री से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आम आदमी पार्टी इस बार गुजरात में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पहले चरण के चुनाव के पहले लिखित वो जो है पहले वो लिखित दावा कर चुके हैं कि इस बार गुजरात में उन्हीं की सरकार बन रही है। कई लोग कहते हैं कि राजनीति के अंदर मेरी भविष्यवाणी सही निकलती है। 2014 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो मैंने एक पत्रकार को लिख के दिया था कि कांग्रेस की इस बार 0 सीट आएंगी। किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस की 0 सीट आई थी। पंजाब के चुनाव में मैंने कई सारी भविष्यवाणियां की थी। मैंने कहा था नवजोत सिंह सिद्धू हारेंगे, चन्नी साहब दोनों सीटों से हारेंगे, बादल साहब का पूरा परिवार हारेगा। तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग उसकी जरूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। बोला था सूरत में 7 या 8 से ज्यादा सीट आएंगे, तो उससे आप ये वो लगा सकते हैं। गोपाल भाई भारी मार्जिन से जीत रहे हैं, मेरे सर्वे के मुताबिक भारी मार्जिन से। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, मैंने इतना लिख के दिया, 92 से ऊपर आ रही है। हमारे संवाददाता सौरभ बख्तानिया अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सूरत से। सौरभ, सूरत में आखिरी दिन प्रचार में कौन कौन सा बड़ा चेहरा नजर आने वाला है? जी देखिए राजीव, सूरत एक सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है जो बीजेपी का गढ़ है। जब पाटीदार आंदोलन के बाद भी जो एंटी इनकम्बेंसी और जो बीजेपी के अगेंस्ट में जो सारे ग्रुप्स खड़े हुए थे, लेकिन सूरत एक ऐसी जगह थी जहां पे सारी की सारी सीटें राजीव मैं आपको बता दूं कि वो बीजेपी ने जीती थी। अब यहां पर क्या हुआ कि जब 2021 का कॉरपोरेशन का चुनाव आया तो 27 सीटें आम आदमी पार्टी के पास आई, क्योंकि जो कांग्रेस की जो 27 सीटें थी वो जो बैकिंग था वो पाटीदार का बैकिंग था और वो पूरा पाटीदार का बैकिंग आम आदमी पार्टी को चला गया। अब पिछले 2 महीनों में क्या हुआ है राजीव, पिछले 2 महीनों में जो पाटीदार आंदोलन के जो मेन चेहरे थे, सबसे पहला नाम अगर जो मैं बता दूं कि अल्पेश कथीरिया, धर्मिक मालविया, तो ये सारे लोग थे वो पिछले एक महीने में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और खुद वो चुनाव लड़ भी रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मेन फोकस जो है, जो पाटीदार बेल्ट हो, वराचा हो, मोटा वराचा, ओलपाड़ हो, कतारगाम हो, तो ये सब इलाके में पाटीदार का काफी ज्यादा डोमिनेंस रहता है। जी सर, ठीक है सर, अब नजर बना रखिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के।